हेलो गाइस, मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट ट्रेडर्स। जैसे कि आपने प्रोमो देखा होगा, प्रोमो में अब आ चुका है लग्जरी बजट टास्क। इस पूरे सीजन की अगर बात करें तो जो सबसे अच्छा खेल रहा है वो है बिग बॉस। जी हाँ, आप जो सुन रहे हैं वो सही सुन रहे हैं। बिग बॉस इस जो सीजन है, ये सीजन में बहुत बढ़िया खेल रहा है इन कंटेस्टेंट के साथ और बहुत सारा टीआरपी इकट्ठा कर रहा है। अगर बात की जाए सीजन 12 की, तो सीजन 12 फ्लॉप हो चुका था, बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ था। और इस बार जो सीजन 13 है, इसमें हर एक दिन में नए नए ट्विस्ट वो ला रहे हैं। अगर देखा जाए तो किसी को भी एक टीम में वहां पर सेटल होने नहीं दे रहे हैं, ये कुछ हमें आज का जो प्रोमो है उसमें दिखा। अगर बात की जाए आज के प्रोमो की, तो लग्जरी बजट टास्क का वो प्रोमो था और उसमें वापस से वहां पर दो टीम की है। अब देखा जाए तो सिद्धार्थ शुक्ला के पास कोई अच्छा सा मेल कंटेस्टेंट नहीं है, उनके साथ जो पारस छाबरा थे वो घर से बेघर हुए है और अब इनके पास किसे देना चाहिए था, तो यहां पे इनके टीम में डाल दिया है वहां पर आसिम रियाज को। जी हाँ, ये पुराने दोस्त जो एक दूसरे के साथ बहुत लड़ रहे थे, इन्हें फिर एक बार एक दूसरे के साथ वहां पर एक ही टीम में खिलाया जा रहा है। शहनाज गिल भी इन्हीं के टीम में है और जहां पर आसिम रियाज और अरहान के रिश्ते वहां पर अच्छे हो रहे थे, तो वहां पर कहीं ना कहीं इन दोनों को ऑपोजिट में लाए। अगर देखा जाए तो अरहान खान भी टास्क बहुत अच्छे से खेलता है और आसिम रियाज भी टास्क जो है बहुत अच्छे से खेलता है। अब क्या होगा इस अंडे के लग्जरी बजट टास्क में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जैसे मेरे पास न्यूज आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो फिलहाल तो यही दिख रहा है कि बिग बॉस भाई इन सारे कंटेस्टेंट के साथ खेल रहे हैं। क्या होगा, किसे मिलेगा लग्जरी बजट, या फिर ये भी तोड़ फोड़ या अंडे फोड़ के ये टास्क भी यहाँ पर रद्द किया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो जैसे मेरे पास न्यूज आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। आपको क्या लगता है, बिग बॉस खेल रहा है नहीं खेल रहा है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इस पर कोई बड़ी न्यूज आने का मैं भी आपको जरूर बताऊंगा। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें एक्ट राइडर्स को और देखते रहिए एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।